दोस्तों अब आप खरीद सकते हैं मेरी रिकमेंडेड बुक्स एंड स्टेशनरीज अमेजोन पे हमारे बुक स्टोर से। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जहां m एक इंटीजर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं a एक पॉजिटिव इंटीजर है और b की जगह पे हम 3 मान लेंगे। नाउ अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन a एंड 3, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यही हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए q की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और r की क्या वैल्यू होगी, r की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो r की 3 ही पॉसिबल वैल्यूज बचती हैं, दैट इज 0, 1 एंड 2। अब एक एक करके इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और उसके बाद उसका हम स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर देखिए इफ केस 1 r इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 0। अब देखिए यहां पर a की वैल्यू हो गई 3q, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब देखिए q एक इंटीजर है तो 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। अब 3q स्क्वायर को अगर हम एक इंटीजर मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं 3m, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट 3q स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम r की वैल्यू रखते हैं, r इज इक्वल टू 1, तो यहां पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहां पर a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q ये भी एक इंटीजर ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। दोस्तों अगर q एक इंटीजर है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q ये भी एक इंटीजर होगा, और इस इंटीजर की वैल्यू को अगर हम m मान लें तो इस इक्वेशन को हम 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस 3 में अगर हम r की वैल्यू 2 रखें तो a की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहां पर 4 को 3 प्लस 1 कर दें और 3 कॉमन ले लें, तो यहां पर आ जाएगा 3 अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यहां पे हमने 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख लिया। अब यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है ये भी एक इंटीजर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। देयरफॉर वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, एंड दैट इज आवर आंसर।